हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आप में से कुछ कहेंगे कि जो हमारा विनाश चाहे, तो कुछ कहेंगे कि जो पीठ पीछे प्रहार करे। आप में से कुछ ये भी मानते हैं कि जो हमारे परिवार की शांति को भंग करे वो हमारा शत्रु है, और कुछ ये भी मानते हैं कि जो हमारे सामाजिक सम्मान को समाप्त कर दे वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है ना। परंतु सत्य इन सब से भिन्न है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे सबसे निकट रहता है, या कहें हमारे भीतर रहता है। कौन है ये शत्रु? वो शत्रु है हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, क्योंकि ये हमें किसी भी क्षण उचित से अनुचित की ओर, धर्म से अधर्म की ओर ढकेलता है। ये एक क्षण में हमारा परिवार तोड़ सकता है, हमारी प्रतिष्ठा भंग कर सकता है। इसलिए यदि सफल होना, श्रेष्ठ होना है, तो अपने मन पर नियंत्रण रखना सीखिए। यदि मन अनुशासित हो तो उससे अधिक सृजन कोई नहीं कर सकता, और यदि मन अनुशासित ना हो तो उससे अधिक विध्वंस कोई नहीं कर सकता। यदि मन में हार हो तो आपको कोई जिता नहीं सकता, और यदि मन में जीत की लगन हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता। मुझे बल प्रयोग करने पर विवश मत करो। नहीं, तुम स्वयं प्रस्तुत नहीं होगे। कैसे कैसे भूल गया मैं कि कितना आनंद आता है तुम पांडवों को मुझे कष्ट देने में। तो ठीक है, धर्मराज युधिष्ठिर, प्रार्थना कर रहे होगे तुम कि मैं तुम्हें पकड़ ना पाऊं। व्यर्थ है, व्यर्थ है। बचा कर रखो अपनी प्रार्थनाओं को, अगले 12 वर्ष में काम आएंगी तुम्हारी प्रार्थनाएं, बचा के रखो। और युधिष्ठिर तो ठीक, वो भीम कहाँ है? कहाँ वो भीम? भीम, तुम्हें क्या हो गया? सदा मेरी ललकार का उत्तर देने वाला वो विक्रोधर भीम कहाँ छिपा बैठा है? भय खाकर कहाँ छिपा बैठा है? क्या हो गया भीम? देख, एक तेरे समक्ष वही दुर्योधन है जिसने पांचाली का अस्त्र हरण करवाया था। आज भी मेरी चंगा से बिठाने पर आज दूर है। आज भी क्या हो गया?
कहाँ छुपा बैठा है? बड़ बोला भीम, कहाँ? मामा श्री, लगता है वन में इस भूखे भीम ने कुछ ऐसा खा लिया है कि जिसने उसका पौरुष उससे छीन लिया है। नपुंसक हो गए हैं ये सभी पांडव, नपुंसक। स्मरण है महाराज, आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि आप चाहते हैं कि आपका पुत्र आपको गर्व भरी दृष्टि से देखे, परंतु इस समय आपका व्यवहार आपके पुत्र की दृष्टि झुका देगा। देखिए, किसी दूसरे राज्य का युवराज आपकी प्रजा में सबको ऐसे ललकार रहा है जैसे विराट राज उसके दास हैं, और आप यूं मौन खड़े हैं। तुम नहीं हो भी, तुम भी नहीं। मैं जानता हूं कि मेरे मित्र कीचक का वध तुमने ही किया है। प्रतिशोध लूंगा मैं, प्रतिशोध लूंगा। महाराज, राजा वो नहीं होता जो स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हीरक मुकुट धारण करे। राजा वो होता है जो अपनी प्रजा के मन के सिंहासन पर बैठे मान का मुकुट धारण करे। चेत जाइए महाराज, चेत जाइए। इस समय आपका पुत्र कुमार उत्तर ही नहीं, अपितु आपकी प्रजा भी अपने राजा से साहस की आशा बांधे खड़ी है। पूरे राज्य के समक्ष आपका निरादर हो रहा है। जागिए महाराज, जागिए। अब यही अवसर है सबको बता देने का कि मत्स्य के राजा आप हैं। युधिष्ठिर, तुम तो पांचों पांडवों में सबसे अधिक बुद्धिमान हो। अंतिम अंतिम अवसर दे रहा हूं तुम्हें, अंतिम। पांचाली समेत पांचों भाई मेरे समक्ष आ जाओ, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें पहचान नहीं लेता मैं यहां से किसी को जाने नहीं दूंगा। भले ही पूरी रात्रि बीत जाए, किसी को नहीं, पांचों पांडव के समक्ष पांचाली सैरंत्री। अच्छा नाम है। दासी सैरंद्रे, हस्तिनापुर युवराज के लिए मदिरा प्रस्तुत करो। पांचाली, पांचाली, मामाश्री ठीक कहते हैं,
क्रोध में मैं बुद्धि से काम नहीं लेता। महाराज, आप केवल भय और संशय के दबाव में हैं। अपने भय और संशय को दूर कीजिए महाराज, दूर कीजिए और रोकिए, रोकिए इस दुर्योधन को महाराज, रोकिए। उन पांचों मोतियों को ढूंढ रहा था जबकि वो सूत्र मेरे समक्ष है। जिसने उन पांचों को एक सूत्र में बांध के रखा है। जानता हूं कि यह तुम ही हो द्रौपदी, कि पूरे समय अपना मुख घूंघट से छुपा के रखे। कीचक की इतनी प्रताड़ना के पश्चात भी मुख से आह तक ना निकाले। कुछ कीजिए महाराज। किस बात का भय है? क्या उसका कारण वस्त्र हरण की लज्जा है या फिर पुनः अपमान का डर? देखना, जो पांडव मेरे ललकार के पश्चात भी प्रस्तुत नहीं हुए, वो कैसे तुम्हारे घूंघट उठाते ही प्रस्तुत हो जाएंगे। अरे शाबाश दुर्योधन, अब होगा इन पांडवों का अज्ञातवास भंग। और कितना पीछे जाओगे पांचाली, अब और कोई मार्ग शेष नहीं है। जाओ कुमार दुर्योधन, आपके कंठ में स्वर भी हैं। ज्ञात नहीं था मुझे ये आपका स्वर ऊंचा भी होता है, परंतु विलंब कर दिया आपने, क्योंकि आप ना तो मेरे पास रुकने का धैर्य है और ना ही आपके पास मुझे रोक पाने की शक्ति।
मैं सावधान करता हूं कुमार दुर्योधन। आप जानते हैं ना कि आप हस्तिनापुर के युवराज को ललकार रहे हैं। ये हस्तिनापुर नहीं, मत्स्यराज है, विराट नगर है ये। और यहां भरी सभा में स्त्री के मान का हरण नहीं होता, परंतु भरी सभा में स्त्री का अपमान करने वाले का वध अवश्य हो सकता है। मेरी प्रजा तुम्हारी दास नहीं, तुम्हारा उन पर कोई अधिकार नहीं। सरंदरी को छूने का प्रयास ही मत करना। आपकी प्रजा का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल पांडवों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। स्मरण है ना आपको, आपके सेनापति ने हमें वचन दिया था कि मत्स्य राज्य पांडवों को ढूंढने में हमारी सहायता करेगा। सहायता सर झुका के मांगी जाती है गंधार नरेश, उंगली उठाकर नहीं। और रही बात वचन की, तो वो मैंने नहीं कीचक ने दिया था। उसकी मृत्यु के साथ उसका वचन भी टूट गया। आप लोग शीघ्र ही यहां से प्रस्थान करें, वही आपके हित में होगा। आप मुझे देख बचाए दुर्योधन को ललकार रहे हैं, देख बचाए दुर्योधन को। नहीं, मैं हस्तिनापुर के मध्यंध युवराज को चेतावनी दे रहा हूं। आपके आगमन पर हमने आपका बहुत आदर सत्कार किया, विवश मत कीजिएगा, आपके प्रस्थान पर आपका निराधार करना पड़े। अरे हट, इसे तो मैं एक पग भी और आगे बढ़ाया तो मेरे सैनिक प्रहार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा विराट राज, मेरा अपमान है, प्रतिशोध अवश्य लूंगा। दुर्योधन, यह अवसर उचित नहीं है, चलो यहां से। इस राट राज्य की कृपा से कब तक बच पाओगे नपुंसक पांडवों? तुम्हें फिर से वन भेज कर ही सांस लूंगा। और तुम पांचाली, तुम्हारा दर्प एक बार फिर तोड़ेगा यह दुर्योधन। तुम विराट राज, तुमने तो मत्स्य के विनाश को ललकारा है, अब पांडवों के साथ साथ तुम्हारा भी विनाश होगा। मेरे प्रतिशोध की अग्नि से
तुम्हारे राज्य का हरेक घर